नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 News। TV20 News पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला, बने रहिए हमारे साथ। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने आज सगड़ी तहसील मुख्यालय के बगल में जूनियर हाई स्कूल के परिसर में होने वाली मुख्यमंत्री की जनसभा स्थल और हेलीपैड की तैयारियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने काम में लगे कर्मचारियों से बातचीत की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि हमारे जनपद के सगड़ी और लालगंज दो जगहों पर मुख्यमंत्री की जनसभा 6 दिसंबर को होने वाली है, इसको लेकर तैयारियां चल रही है। टेंट की लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है, हेलीपैड स्थल पर कार्य युद्ध स्तर पर शुरू है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कल दोपहर तक सारी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएगी। और क्या कुछ कहा सुनिए। आज जब मुख्यमंत्री के आने का कार्यक्रम में सर आपने अभी दौरा किया, इस पर क्या माननीय मुख्यमंत्री जी का सगड़ी विधानसभा में और लालगंज सगड़ी क्षेत्र में और लालगंज क्षेत्र में दो कार्यक्रम होना है। उन दोनों कार्यक्रम 6 तारीख को है, पहले सगड़ी का है, उसके बाद लालगंज में कार्यक्रम होगा। सगड़ी में करीब 12 बजे के आसपास कार्यक्रम है, तो उसकी तैयारियाँ की जा रही हैं। टेंट लगभग लग चुका है, साउंड भी लगाना शुरू कर रहे हैं और बैरिकेडिंग का कार्य चल रहा है, तो कार्य समय पूरा हो जाएगा और व्यवस्था संपूर्ण पूरी तरह से सुनिश्चित की जा रही है। सर कोई कमी नहीं दिखी है अभी तो जैसे काम अभी चल रहा है, अभी हमारे पास कल का दिन भी है, तो मेरे ख्याल से कल दोपहर तक हम टेंट वगैरह पूरा तैयार करवा लेंगे और बाकी जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो भी तैयार करवा लेंगे। लालगंज की क्या तैयारी है? लालगंज में भी हेलीपैड पूरा बन चुका है और हेलीपैड का रास्ता भी बन चुका है और टेंट का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, वहाँ भी लगभग पूरी तरह से तैयारी। बाउंड्री तो चारों तरफ से घिरी हुई है अभी। देखिए बाउंड्री ऐसा है, जहाँ जहाँ बाउंड्री में दिक्कत है वहाँ वहाँ बैरिकेडिंग की जाएगी, सुरक्षा की पूरी पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। सर कार्यक्रम देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे जो कार्यक्रम है, बहुत कई विभागों की जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास लोकार्पण होगा और साथ में जो लाभार्थी परक योजनाओं में लाभार्थियों को भी सर्टिफिकेट्स और बाकी लाभार्थियों को मंच पे बुला के उनका सम्मान भी किया जाएगा। तो ये कार्यक्रम लालगंज में भी है और सगड़ी में भी। ठीक है।